गेट खोलने बोल। सेक्रेटरी कम प्रिंसिपल मैम का और मुख्य अतिथि महोदय का। आप दोनों बैठ जाओ बेटा। एक समय था जब बच्चे टमटम से स्कूल में पढ़ने आया करते थे। ग्रामीण परिवेश के होने के कारण बच्चे अंग्रेजी के कठिन शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर पाते थे, परंतु सेक्रेटरी प्रिंसिपल मैम के दृढ़ संकल्प स्कूल है पर वे मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता प्राप्त ना होने पर वहाँ के बच्चे अनुभवहीन व दक्ष शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई करते हैं, दक्ष और परिश्रमी हैं, जिसका असर आज के सांस्कृतिक प्रोग्राम की अवधि 3 घंटों की है और बच्चे इस दिन का लंबा समय से इंतजार करते आ मंगल मंगल के सर्वे कुंडे गौरी नारायण नमस्ते। ओम गजानन नेत्र के गौरी नारायणी नमस्ते। जय वेदा स्वस्ति नक्षो
हरिष्टनेमी स्वस्तिनो बृहस्पतिरदधातु ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्ष द्वंद शांति पृथ्वी शांतिर आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति सर्वद्वंद शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यता समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजा हो वैन्ना पशुभ्या सुशांतिर्भवतु सिंहगणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः सचिव पुरंद्राभ्याम नमः मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवता आदिदेव पुषा पुराण तमस विश्वस्य परं निधानम् वेत्यासि वेद्यं परं च धाम त्वया ततः विश्वनन्तो लेकिन उससे पहले मुझे जजेस बनाने हैं, तो वो जजेस जो होंगे वो राजेश से ही होंगे, वैसे ही होंगे डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर साहब होंगे वो आपको गाइड करेंगे उस तरह का बात और इसमें प्राइज भी आप ही के हाथ से देना है, जो विनर होंगे उनको प्राइज और फर्स्ट प्राइज चार सेक्शन में है वो कैश में है, सेकंड सेक्शन बी के भी कैश में है, सी के भी कैश में और वो कहते हैं बहुत स्मरणीय है, खासकर बच्चों के मेरे आए हुए आदरणीय बच्चों के अभिभावक का स्टेज के नीचे तक तो आपका नहीं आ रहा ठीक है, हमारे शिक्षक एवं हमारे प्राचार्य सबों को मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। मैं आज बच्चों का टैलेंट को देखूंगा और आप भी देखेंगे कि गौतल स्कूल के बच्चे कैसे, धन्यवाद। एंड माई फ्रेंड हू हैज कम हियर टू ब्लेस अस, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। सुरेंद्र बाबू जी आए हमारे
मुखिया जी हैं, मास्टर साहब हैं, जयराम मास्टर साहब हैं, सबको जी, रामजी जायसवाल जी आए हैं, सबको मेरा बहुत बहुत है। और 24 डांसेस है, इस 24 डांस में बच्चे जो हैं, ये 24 डांस में, अरे हेलो कौन, हेलो नॉट कमिंग, हेलो हैं, उसमें ए बी सी डी, और फर्स्ट सेक्शन जो है वो 5 के बच्चे प्रेजेंट करेंगे, 5 ए बी 4 ए बी, फिर 3 ए बी 2 ए बी, ऐसे करके नीचे आएंगे, फिर उसके बाद में 6 से ऊपर के बच्चे उठेंगे, 6 7 8 9 10 को नहीं है, 9 क्योंकि एग्जाम के बोर्ड की, इसलिए हमने 10 को नहीं टच किया। अब ये बच्चे को पढ़ना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने इनको बोला कि आप लोग पढ़ाई में रखो, आज ये लोग मैनेजमेंट संभाले हुए 10 के बच्चे हमारे। तो इसमें हम लोगों का 4 ग्रेड में 4 प्राइजेस हैं, जितने टीचर्स हैं ये कोरियोग्राफी उन्होंने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लास्ट में आपको एक डांस दिखाऊंगी जो डांस एकेडमी का होगा, तो वो डांस आपको दिखाएंगे, पहले 5 ए फिर 5 बी आ रहे हैं, ऐसे करके बच्चे आते जाएंगे, प्रोग्राम्स होते जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैंने, मुझे जजेस बनाने हैं, तो वो जजेस जो होंगे वो गार्जियन से ही होंगे, ये गेस्ट से ही होंगे, हम लोग नहीं करेंगे, डॉक्टर साहब रहेंगे हमारे, क्योंकि डॉक्टर साहब टीचर शो करते हैं डांसेस में, और इट इज़ नॉट कमिंग, सो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको देखें, और जो सही मार्क्स लगे वो आपके साथ में एक एक टीचर्स आएंगे, वो आपको गाइड करेंगे उस तरह का मार्किंग करें। थैंक यू ऑल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अंजलि को, जो क्लास लेने की स्टूडेंट है, वो आपके समक्ष कुछ विचारों को पेश करना चाहती है। इस गॉड्स हैंडराइटिंग, वेलकम इट इन एवरी व्यू प्लीज, एवरी व्यू स्काई एंड एवरी व्यू फ्लावर। गुड मॉर्निंग टू आवर ऑनरेबल डायरेक्टर सर, आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, and all the other bright faces present over here. I'm Anjali, a proud student of this school. I'm a student of Standard 10. The entire Goddess family welcomes you all in this wonderful program. How phenomenal is this day? You all will witness an amusing and entertaining program ahead. Let me continue. Goddess Public School is one of the prestigious co-educational senior secondary schools in the entire district of Bhagalpur. Our school provides excellent educational facilities to students and helps them develop good standards. Every year, students pass out their flying colors and beauty of form in their respective chosen fields. Each year marks the presence of hard-working students, along with intelligence under the proper guidance of teachers. For the past 27 years, our school, with a strong reach for education, has given several doctors and engineers. Many alumni of our school have been serving the nation by joining CDS, NTA, Civil Services and many more. The teachers try to develop curiosity among students, which helps them develop good sacraments, and they help them score better in their board exams. Our term 1 board exam was held in our school itself. The students of Gangatovil Public School were also invited in this school so as to give their exams. All these amazing tasks takes place in an amazing infrastructure about which my dear friend Murari will tell you now. Hello.
पर आते हैं हौसलों से उड़ान होती है। मैं कृष्णा मुरारी कक्षा दसवीं का छात्र आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारा गौतम पब्लिक स्कूल हर क्षेत्र में आगे है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर ने जो मेहनत किया है हमारे स्कूल पर। हमारा स्कूल में 40 से भी ज्यादा शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं हैं। हमारे स्कूल में सीनियर बच्चों के लिए वॉलीबॉल तथा अन्य खेलों की भी व्यवस्था की जाती है। हमारे स्कूल में सीनियर बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला तथा विज्ञान के तीनों विभागों की भी प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई है। हमारे स्कूल में शिक्षक अपने बच्चों पर कड़ी मेहनत करते हैं। हमारा स्कूल आज इतनी ऊंचाइयों पर इसलिए भी है क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चे बहुत मेहनत करते हैं अपने हमारे शिक्षक के गाइडेंस के अंदर। तो इसके आगे मैं एक बार फिर से अंजलि को बताना बुलाना चाहूंगा, हमारे प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर का समाज के प्रति क्या योगदान रहा है, उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान दिया है, इससे गौतम पब्लिक स्कूल आज इतनी बुलंदियों पर है। And the wholehearted support of our honorable directors. The kind of struggles faced by them in order to reach so far is really, really appreciated. Our mom spoke for us at that time when we barely had no primary schools. She proved herself to be the Mother Teresa of this area. Once Socrates said, "Pain is the perfume of heroic deeds." The name and the fame earned by our honorable principal ma'am is the perfume, is the fragrance, and is the proof that our ma'am performs heroic deeds. For this act, she has got several awards, such as Asian Pacific Gold Star Award by Britain Princess and Vice Prime Minister of Thailand 2017 at Thailand, Asian Pacific Excellence Award at Kathmandu, Nepal in 2015. Best Educationist Award in the field of education 2015 at New Delhi, India, and many more. Everybody needs some support. Our honorable principal ma'am was supported by our honorable director sir. Our honorable director sir is not just a doctor, but a promising educationist as well. His contribution to shape our school as a center of excellence can never be denied. Now, I would like to speak few words about India. इनके द्वारा समाज के केवल एक वर्ग ही नहीं बल्कि अनेकों वर्गों की सहायता की जाती है। प्रतिवर्ष हमारे ई बैगी प्रखंड के आधे से ज्यादा भाग बाढ़ चपेट में आ जाता है, जिस कारण से लोगों को खाने को भोजन नहीं मिलता, ना ही पेयजल उपलब्ध हो पाता, वे बेघर हो जाते हैं। इसके लिए हमारे माननीय निदेशक महोदय और माननीय प्राचार्य महोदय के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों को पेयजल और भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रतिवर्ष ठंड के मौसम में और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गरीबों में भोजन बांटा जाता है और उन्हें गर्म कपड़े प्रदान किए जाते हैं। इन सौम्य कार्यों के लिए हम उनके सदा आभारी रहेंगे। अब बात करते हैं हम उनकी, जिनके सपोर्ट के बिना यह स्कूल इतना विकसित नहीं हो पाता, ना ही यहाँ के बच्चे इतने विकसित हो पाते। इसके लिए फिर से मैं बुलाना चाहूंगी मेरे मित्र मुरारी को। जैसा कि अंजलि ने अभी आपको बताया, हमारा स्कूल आज इतनी बुलंदियों पर इसलिए है क्योंकि पिछले 27 वर्षों से हमारे गौतम परिवार पर आप लोगों ने भरोसा बनाकर रखा है। आपके इसी भरोसे ने, आपके पिछले 27 वर्षों से बनाए गए इसी भरोसे ने हमारे प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया। अभी शुभम आया था। हमारे प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर ने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, वो केवल आपके भरोसे ने हमारे प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर को उस प्रेरणा के कारण आज ये संभव हो सका है। सच ही कहा गया है, अभिभावक ही हमारे जीवन में शिक्षक के बाद सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं, वो ही होते हैं। हेलो, Stop.
शिक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि गदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि शेषानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय
I'm from Itra from Tamil Nadu, and we both are the host of this wonderful show. Abhi jo aapne performance dekha, baaki isme Meena Miss ne kaafi achhi choreography. Thank you Meena Miss for this wonderful choreography. To chaliye ab aage badhte hain. Ab jo aane wala class hai, wo class 4A hai. Unki dance ka choreography kya hai? Anu Miss hai. Aur gana hai Utta Bama, jo ki ek Telugu song hai. Kya? Telugu song? Haan. इस गाने की दो लाइनें सुना सकती हो हमें? Why not? बुद्धा बमा सब बोलती है ज़िंदगी के वाह श्रेया बहुत खूब, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है,
मालिक बस तू रहे और तेरी वजह रहे, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाते हैं स्टैंडर्ड 4B के छात्रों को, जिनका डांस कोरियोग्राफ किया गया है संजीव सर के द्वारा। संजीव सर हमारे स्कूल में साइंस के टीचर हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए क्लास 4B के बच्चों का। ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खुशी फूलों से बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। इस कोरोना की डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर हैं, रोज मौत से हाथ मिला कर आते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। जवान अपनी जान की बाजी लगा कर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में। तेरा ध्यान किधर
परफॉर्मेंस को देखने के बाद मेरा तो मन करने लगा कि मैं इन बच्चों में शामिल होकर झूमूं। लेकिन आगे आने वाली जो डांस परफॉर्मेंस है वो इससे कुछ कम नहीं है, जो पीतन सर के द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है और पीतन सर हमारे स्कूल में प्लस टू को अकाउंट्स पढ़ाते हैं। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम स्टैंडर्ड 3B के छात्रों का। Yeah.
कुछ और क्लू तो दो। मैं एक और क्लू इनके पढ़ाने का तरीका कुछ अनोखा है। ये कुछ इस प्रकार से पढ़ाती है कि वे बच्चों से किताब पढ़वाती है और खुद उसे एक्सप्लेन करती है। हाँ ये तो मीना में से है। हाँ बिल्कुल सही। तो आइए स्वागत करते हैं हम स्टैंडर्ड 2B के छात्रों का जो गाना का जो डांस करने जा रहे हैं मेरे मेरा झूठा है जापानी गाना। दोबारा कैसे मिलेगा।
Thank you.
में हंसी लबों पे खुशी गम का कहीं नाम ना हो, ये सुबह लाए आपके जिंदगी में इतनी खुशियाँ जिनकी कभी शाम ना हो। आगे आने वाले परफॉर्मेंस में चुना गया गाना है कश्मीर में तुम कन्याकुमारी, जिसे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में लिया गया है और इनकी कोरियोग्राफर है हमारे सोशल स्टडीज टीचर गोपी सर। गोपी सर बच्चों गोपी सर सीनियर बच्चों को सोशल पढ़ाने का तरीका बच्चों को काफी पसंद आता है और यही कारण है कि वे अच्छे रिजल्ट्स करते हैं। और आने वाला क्लास है 6A। जिंदगी चल तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दे हमको भी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। जाकर देख लो मंदिर और मस्जिद में माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा। अब जो आने वाले बच्चे हैं उनका कुछ गाना भी हमारे माता पिता पर आधारित है, राजीव फिल्म से लिया गया है। इसे हमारे स्कूल के सीनियर हिंदी टीचर अखिलेश सर के द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है। अखिलेश सर हिंदी के विद्वान टीचर है और बच्चों को प्रेरित करने के लिए हमेशा एक पंक्ति बोला कि तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता दे रजा क्या है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम स्टैंडर्ड 6B के छात्रों का। Thank you.
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो आने वाला क्लास है उसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी के बच्चों को, जिनका गाना है जय और उनके डांस को कोरियोग्राफ किया है सभी से। सर हमारे स्कूल में सीनियर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं और सर हमें अच्छी हैंडराइटिंग के लिए मोटिवेट करते हैं और सर का व्यक्तित्व बड़ा ही शांत है। सो जोरदार स्वागत कीजिए बच्चों का। मेहनत दिल लगा के किया ना, उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा।
सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर Yeah.
इस गाने को बेस्ट जी सिनेमा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला है। इनके कोरियोग्राफर हैं हमारे सीनियर क्लासेस के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हमारे सर के पढ़ाने का अंदाज बड़ा ही रोचक है, जो हम जैसे बच्चों को बड़ा पसंद आता है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे सर के क्लास का। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ?
भाई तुम लोग अच्छे बड़े बहुत ध्यान दो चलो Thank you.
अपने मंच पर बुलाना चाहूंगी क्लास 9 सी के स्टूडेंट्स को। इनका सॉन्ग मिक्स है लेकिन वो जुड़ कर और इनके कोरियोग्राफर है सब समझ क्लास 9 से के बच्चों की परफॉर्मेंस के बाद हमारी आदरणीय प्रिंसिपल मैम स्टेज पर आएगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसके बाद एकेडमी डांस ग्रुप कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। धन्यवाद। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आज से लागू और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। Welcome to the dance floor, show me that you want more, let the music take you there. We breathe those freaky noises, show the world our voices, live the moment here right now. बच्चे लोग का
Hello. Good afternoon to all the present over here, my guests, my children and their parents. आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की भी और आने वाले दिनों के लिए भी. बहुत दिनों के बाद सिल्वर जुबली के बाद ये पहला फंक्शन हो रहा है 3 साल के बाद. बहुत बच्चे लोग एकदम ऊब चुके थे घर में रहकर ऑनलाइन क्लास. सही कह रही हूँ कि नहीं? सही है ना? तो मैंने इनके लिए ही ये डांस कॉम्पिटिशन किया. नहीं तो अभी एग्जाम का समय थे, अभी तो पढ़ाई जम के करनी थी. मैंने एक हफ्ते का ब्रेक लिया. एक हफ्ते के अंदर में सारे टीचर्स बहुत मेहनत किए. टीचर्स आई रिक्वेस्ट यू टू मेक द रिजल्ट. प्लीज मेक द रिजल्ट फास्ट. रिजल्ट डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है ना. सारे ग्रुप ऑफ टीचर्स मिलकर डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट. प्लीज मेक इट. विकास सर मेक द रिजल्ट. अब मैं आपको गौसल के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि मैं जब यहाँ पे 1982 में आई थी तो यहाँ कुछ नहीं था. ये जंगल थे, इसमें खेती होते थे. और जब मैं माउंट कार्मल के सिस्टर से यहाँ आते थे मेरे यहाँ, तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि स्टार्ट द स्कूल. तो 1994 में हमने इसको स्टार्ट किया. वैसे की तंगी बहुत थी, फिर भी मैंने धीरे धीरे पहले स्कूल को स्टार्ट किया. LKG, UKG, 1 धीरे बढ़ते गई और गार्जियन की पूरी सपोर्ट हमें मिली. उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा बच्चों का डिमांड थे कि बोर्ड होनी चाहिए. फिर हमने CBC बोर्ड के लिए अप्लाई किया और मुझे मिल भी गया पहली बार में. फिर उसके 2-3 साल के बाद मैंने 12th के लिए अप्लाई किया. फिर वो भी मुझे 1-2 साल के बाद वो भी मिल गया. आज पीरपैती में 10th रिजल्ट, आज तक एक भी बच्चा मेरा फेल नहीं किया है. 100% रिजल्ट मैंने दिया है. वो बोर्ड पे सबकी नाम लिखे हुए हैं जिनको हाईएस्ट मार्क्स आए हैं. कभी भी हमारे जितने टीचर्स आप देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम बाहर के टीचर्स हैं. लोकल टीचर्स मेरे यहाँ बहुत कम है, लेकिन वो भी इंटर और BA नहीं, सभी BEd है और MSc MA. नीचे वाले जो है वो BSc ऑनर्स, बट BEd इज कंपल्सरी, बिना उसका नहीं देती हूँ मैं. IA वाले बहुत आते हैं मेरे यहाँ काम के लिए, मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश में ही बात करनी है और बच्चों को भी उसी तरह से ट्रेन करनी है. एक क्वालिफाइड टीचर ही क्वालिफाइड बच्चे को खड़ा कर सकता है. राइट और रॉन्ग मास्टर साहब? तो वही मैं यही सोच के मैंने इंजीनियर मुझे, आप तो सिल्वर जुबली में आए थे ना, 4,000 लोगों को मैंने डिनर दिया था रात का खाना का. और उस दिन मुझे पता चला कि कितने डॉक्टर कहाँ से, बम्बई से आ रहे हैं, कोई चेन्नई से आ रहे हैं, बैंगलोर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने CA. मास्टर साहब कहते मेरे 3 बच्चे हैं जो सभी जॉब वाले हैं. मैं गौसल के एक भी बच्चा फेलियर नहीं है. अगर वो ये ऑनर्स भी किया तो वो कुछ कर रहा है, वो बैठने वाला नहीं है. और आप लोग स्कूल में पढ़ाइए जिसके पास बोर्ड है. अगर बोर्ड नहीं है तो सब बेकार है. आपका अपना मेरा सेंटर पढ़ाता है इस बार 10th और 12th का. हम लोग का स्कूल में अपने बच्चों का और गंगा ग्लोबल का दोनों का सेंटर पढ़ा मैंने. हम लोगों ने एग्जाम कंडक्ट किया बोर्ड का 50 मार्क्स का टर्म 1. अभी टर्म 2 बना के फिर हम लोग को सेंटर देगा. लेकिन इतना है कि जितने बच्चे देख रहे हैं ये सब मेरे भविष्य है, आपके भविष्य है. और मैं वादा करती हूँ कि मैं आप लोग के बच्चों को हर संभव सफलता का, हर समय टीचर्स के ऊपर हावी बनकर मैं काम करूँगा. ये मेरा वादा. और मम्मी और पापा से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज्यादा मत बोलिए. बोलने से ये लोग ऑलरेडी टेंशन में है, मोबाइल चलाना सीख गए. अब आप उसको रोक नहीं सकते हैं. तो मोबाइल जब आपने ऑनलाइन देख लिया हो लोग, तो अब तो उसको बहुत टैक्टफुली काम करिए.
टैक्टफुली का मतलब बहुत सोच समझ कर, ताकि उसके मेंटल प्रेशर पर भी काम ना हो और बच्चा भी आपका अच्छे से काम करे। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जानकी बच्चों का एक साइकोलॉजी बहुत ही बहुत डेलिकेट होते हैं। और मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, मैं पर्सनल है कि डॉक्टर साहब के बैठे हुए आदरणीय जो मेरे बड़े अभिभावक भी है, मेरे हस्बैंड भी है, मेरे चेयरमैन, सब कुछ मैं इनकी है। हम दोनों ने कंधे से कंधे मिलाकर आज यहाँ तक मुकाम हासिल किया हूँ, ताकि आज मैं जहाँ बैठी हूँ ये माहौल हम लोगों ने ही बनाया, मिलकर बनाया आप लोगों ने। और इसीलिए मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि हम लोग मिलकर ही सब काम करें। अब हम भी, मेरी भी एज हो गई है, थोड़ा रिटायरमेंट अब ले रही हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब मैंने लगा रखा, और मैं खुद सेक्रेटरी हूँ। ये विद्यालय में तो मेरा जान बसता है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो नहीं हूँ। आप लोगों से भी यही है कि मुझसे मिलना हो अगर तो 12 से 3 के बीच का। बहुत गार्जियन बोलते हैं मैं जाके मिलता हूँ, तो मिलते नहीं है मैडम, तो मेरा भी थोड़ा टाइम हो गया है। मैं 12 से 3 हर हाल में अपने ऑफिस में बैठती हूँ, हर एकदम से बैठ नहीं है मुझे, मेरा भी तो काम है, लेटर देखो, ड्राफ्टिंग करो, CPC को, बिहार गवर्नमेंट को, सबसे सब जुड़ी हूँ मैं। और अभी जो है दान के दे रहे हैं, उसके पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि ये जो अभी हैप्पी वैली स्कूल है उसका सेल डेट हमारे डॉक्टर साहब के नाम से केवाला है, आदित्य कुमार सिंह ने जब ये 8 साल के थे मेरे ससुर जी ने इनको दिया था, आज उसके चलते ही सारी हम लोगों ने उनके ऊपर में ट्विटर भी किया हुआ है और केस भी चल रहे हैं। इन्होंने फेसबुक पे डाला जो सब झूठ थे, और इन्होंने जो किया है कि मैंने मेरा है, मैंने किया है, तो फिर इंजंक्शन रोक लगा हुआ इसके ऊपर में कोर्ट में, हाईकोर्ट ने रोक लगा, हाईकोर्ट में एडिट किया है, और भागलपुर से रोक लगा हुआ है जब तक केस फाइनल ना हो जाए, ये काम नहीं कर सकता। तो ये सब सिचुएशन के बीच में 1 बीघे जमीन है, ज्यादा कुछ नहीं है, CPC में एफिलिएशन के लिए आपको 6 बीघा चाहिए, 6 2 एकड़ चाहिए आपको, लेकिन ये विवाद नहीं होना चाहिए। आज इसके चलते कितने बच्चे सफर कर जाएंगे, कितने लोगों को परेशानी हो जाएगी, ये लोग नहीं समझ रहे। और आगे भी मेरे भविष्य की आप लोग के हाथ में है, बच्चों को भेजिए, उनका भविष्य और मेरा भविष्य हम लोग सब मिलकर बनाएंगे। और मैं पूरा आप लोगों को वादा करती हूँ, मैं रिजल्ट दूंगी, मास्टर साहब यहाँ बैठे हैं, सुरेंद्र बाबू बैठे हैं, सबके बच्चे हम आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, और मैं विश्वास पे खड़ी उतरूंगी। और ये स्कूल से जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं प्लीज मुझे बताओ, मैं पूरा करूंगी, और मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं जब तक रहूंगी मैं यही मरूंगी और यही से सब काम करूंगी, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मेरा घर यही है। रूम देखो ऊपर से मैं देखती हूँ, उस उधर से उधर देखती हूँ, सब तरफ मेरी नजर है, 90 कैमराज लगे हुए, 90। आपसे रिक्वेस्ट है कि स्कूल में घूमिए, आप लोग जाके क्लासरूम देखो, सब कुछ देखो, मैंने वो सब बच्चों को दिया जो इनकी जरूरत है, लैब, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, सब कुछ है मेरे पास में। तब तो CBC ने हमको, हमें एफिलिएशन दिया ना, मान्यता ऐसे तो मिलती नहीं ना, एक्सपर्ट थे, सारा जांच किए, सब देखे, तब तो मुझे मिला। शकील साहब के बच्चे मेरे यहाँ पढ़े हैं, सब अब किए, जानी साहब मेरा बेटा जो बैठा हुआ है मेरा स्टूडेंट है, मगर मुझे माँ से पढ़ के मांगता है, सब मेरे से जुड़े हुए, ऐसा नहीं है, बच्चे मुझे बहुत आते हैं, ये सब मेरे जान देते हैं। मैं अगर एक बोल दूँ, मेरा बर्थडे जिस दिन होता है ना, 5-5 फीट का टेडी लेके आता मेरे, आप सोचो कि मैं पूछते क्यों पैसा बर्बाद किया, मैं भी कंटिन्यूटेड अंदिया की भी बताइए। तो ये लव एंड अफेक्शन आदमी अपने जिंदगी से नहीं कमाता, बच्चों को प्यार से कमाता है। बहुत अच्छे से बच्चे मेरे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए सबसे बड़ा शुक्रिया थैंक्स मेरे बच्चों के गार्जियन को मैं प्रणाम करती हूँ, और आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझसे जो बन पड़े बोलो, आओ मिलो 12 से 3 के बीच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इंजॉय किया, अच्छा लगा, बच्चों का प्रोग्राम अच्छा लगा, होना चाहिए ना आगे साल, हर साल होना चाहिए, ये तो बोल ही नहीं रहे, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, थैंक यू। आधे तो मेरे बच्चे हैं इधर में,
जो अभी सब खाई गई सत्र में। थैंक यू। मैं सबसे बड़ा थैंक्स बोलती हूँ पप्पू जी को, मास्टर साहब को, जयराम मास्टर साहब को, सुरेंद्र बाबू को, सर कौन उनको नहीं पहचानने में, विकास जी को, तो हमारे तो डॉक्टर साहब सबसे सुपर हमारे हीरो है मेरे, और मुखिया जी को, कैलाश जी जो मेरा बेटा, आइए कैलाश ऊपर आइए, आइए ऊपर आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आइए ऊपर आइए, मेरे पप्पू जी पकड़ के लाइए इनको, चलिए ऊपर आइए। दिवेश जी को थैंक यू सो मच, मेरे पिंका जी सब आए, मेरे चारों पत्रकार को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, शकील साहब को सबको थैंक यू सो मच। अभी मेरे से गाना सुन रही है बोल रहे आप लोगों के समक्ष ऐसा सराहनीय बात बोलूंगा, रहीम का एक पंक्ति है हमारे बीच, हमारे गुरु और हमारे पिता कुल राम बाबू बैठे हैं, शायद उन्हें समझ पाएंगे, बाकी मुखिया को नहीं समझ पाएंगे। ये मंच और ये विद्यालय और ये इस स्कूल के प्रेसिडेंट और चेयरमैन ताही चराहिए, सरिता ताही चराहिए, ये जमा विद्यालय वो है संता के माने नदी होता है और सराहनीय नदी वो होती है जहाँ लोग जाकर अपने आत्मा को संपूर्ण करने के लिए तो ये विद्यालय जो है तमाम बच्चों को क्षेत्र के विद्यालय में आकर संतुष्ट होते हैं, इसलिए ये विद्यालय सराहनीय है रहीम के पंक्ति के मुताबिक। अब मैं अपने चाची श्री से आग्रह करता हूं कि मैं अब उतना गाना गाने का मेरा उम्र नहीं रह गया है चाची जी, और आप हमको तक प्रयोग करके यहाँ बुला लेती हैं, इसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती जो है निकला है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, कभी कागज के आज नहीं जो कल आपका ही होगा, धैर्य से काम लीजिए। तो मैं अब हमारे चलो बच्चे हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां भी हैं, मैं सब लोगों को इस मंच से नए साल का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा बच्चे मन के सच्चे मन के सच्चे, इस दुनिया में हमारे भारत के गायिका जिनको सम्राट माना जाता था वो आज से ठीक 15 दिन पहले टिकट गए, ये उन्हीं का आभार है, हालांकि मैं देश हूँ आवाज लगा रहा हूँ। बच्चे मन के सच्चे सर जग में आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे क्यों जो उम्र बढ़े आप के तारे ये नन्हे फूल
माताएं महान धर्म का शब्द है, लेकिन उसी भी चीज को जिस विचार से देखिएगा वैसा ही होगा। किसी भी चीज को आप स्वच्छ दृष्टिकोण से देखिएगा तो वो आपको वही दिखाई देगा। तो आप लोगों का अगर आग्रह है पूरी चाहिए हमको, तो मैं आप लोगों के बीच रख दें। मूर्ख पत्रकार लोग जो है ना, मूर्खों से बन सकता है। चुपचाप के हुवल चलवा अतिया झुकाइए, चुपचाप के हुवल चलवा अखिया झुकाइए, ताके न हमरी ओर हम ठकरी तकाइए, ताके न हमरी ओर हम ठकरी तकाइए। मनमा के सुन अंगना, मनमा के सुन अंगना, मनमा के सुन अंगना में, मनमा के सुन अंगना में हमरे बसे बने, आवत बके हुपावे, आवत बके हुपावे, पायल बजा बजा के चुपचाप के हुबई छलबा अखिया झुकाई के। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों के बीच मैं गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, वक्रदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय Thank you.
शांताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे आए, साथ में हमारे मुखिया जी भी आए, मेरे प्रमुख जी भी आए और रश्मि जी भी आए। आप लोग सब चल के बच्चों को प्राइज दीजिए। आगे जितने बैठे हमारे, जितने बैठे मास्टर साहब ऊपर चलिए, सुरेंद्र बाबू चलिए प्राइज देने, सब लोग चलिए, आ जाइए आ जाइए। मुखिया जी, उज्ज्वल सर, प्रदीप सर, दिलीप, देन समीर मंडल, देन संजय मित्रो, राजीव, रंजना मिस, मनीष एंड नेहा मिस, ऑल कम फर्स्ट टू द स्टेज। संजीव कुमार सिन्हा, प्लीज कम ऑन द स्टेज फर्स्ट, रन एंड कम। He is the बेस्ट कोरियोग्राफर ऑफ हिज क्लास एंड ग्रुप A, he has got the first prize, Sanjeev Kumar Sinha. Group B, first prize, Ranjana Miss. Ranjana Singh, come first. Then Group C, Sameer Mandal, Aman Bangali Babu, Rasha Tandam. Group A, Sanjay Jhan, please come first. बेटा इधर कुर्सी लगा। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रुप ए, कितना चाहिए? फ्रॉम ग्रुप बी, वन बी मनीष सर। फ्रॉम ग्रुप सी, सेवन सी दिलीप महतो सर। एंड फ्रॉम ग्रुप डी, सेकंड प्राइज सौमित्रो सर। And from the group D, third prize goes to 90. Thank you.
मैडम आपके लिए मैडम हर दिन जन्मदिन के समान है। मैं एक शब्द कहना चाहूंगी चाहूंगा सॉरी बार बार ये दिन आए बार बार ये दिन आए तू जियो हजारों साल हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू मैम हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू। अब आप हाई ब्रेक लो हमारे तरफ से लीजिए। अरे वाह जरूर जरूर।